वेलकम टू प्रीति सामान लाइफस्टाइल। प्रीति सामान लाइफस्टाइल के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बोला था कि शॉपिंग मैंने क्या क्या करी थी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो जिसमें मैं अपनी शॉपिंग दिखाने वाली हूँ कि हम क्या क्या शॉपिंग करके लेके आए हैं। तो कुछ मेरे पास अभी है और कुछ मैंने स्टिचिंग के लिए दे दिए हैं सूट जो मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगी। जब वो सिलकर आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन से सूट लिए हैं कंप्लीट। तो जब तक जो मेरे पास हैं तो मैं वो दिखा देती हूँ, जब वो सिलकर आएंगे तो उनकी वीडियो साथ में ऐड कर दूंगी। तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ बैग्स के साथ जो हमने बैग्स लिए पर्स लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये छोटे से पर्स के साथ, ठीक है। ये लिया है मैंने स्कूटी के लिए स्लिंग बैग स्पेशल स्कूटी के लिए ही। मेरे पास पहले ऐसा ही था और वो मैंने बहुत लंबे टाइम तक चलाया था। इसमें दो पॉकेट है और एक ये लिया है। कभी मैं आप लोगों को अपना पूरा पर्स कलेक्शन दिखाऊंगी किसी वीडियो में। तो एक लिया है मैंने ये पर्स मोबाइल और कुछ पैसे डालने के लिए। तो नेक्स्ट है ये पर्स, नेक्स्ट है ये पर्स, ये है कीर्ति का पर्स जो उसने लिया अपने लिए। तो देख सकते हो आप ऐसी कुछ इसकी लुक है, बहुत ही अच्छा कलर है इसका और लेदर भी बहुत अच्छा है। और ये लिया है मैंने अपने लिए चॉकलेट कलर। और सोपर सा मेरे पास पहले वाइट कलर का पर्स जो मैं सबसे ज़्यादा यूज करती हूँ, पर्स मेरे पास बहुत सारे हैं तो जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वाइट कलर का, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया। वो गंदा जल्दी हो जाता है तो मैंने लिया अपना ये पर्स। और अब दिखाती हूँ मैं मम्मी का जो मम्मी के लिए लिया है। तो ये ब्लैक पर्स गाइस ये लिया है मम्मी के लिए। तो मम्मी अगर रखेंगे तो ठीक है, अदरवाइज क्योंकि मम्मी कह रहे थे थोड़ा सा बड़ा, हमने सोचा था मम्मी छोटा लेगी बट मम्मी कह रही है थोड़ा सा बड़ा। तो अगर वो नहीं रखेंगे तो कीर्ति इस पर्स को रखेगी, वो कह रही थी कि मैं रखूंगी। तो गाइज अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को जो हम अपने सैंडल्स लेके आए हैं, तो उनका कलेक्शन मतलब एक एक पेयर ही लेके आए हैं। तो ये हैं कैट के और है कीर्ति के मेरी सिस्टर के। तो मैं ये देखो आपको डिजाइन दिखा देती हूँ, ब्लैक कलर के हैं, कैट के हैं और बहुत ही कंफर्टेबल सैंडल हैं, बहुत पसंद आए थे हमको ये। तो एक लेकर आई है कीर्ति अपने ये, और मम्मी की चप्पल लेकर आए थे, मम्मी ने वो पहन ली अपनी, आज ही आई थी मम्मी तो मम्मी ने अपनी पहन ली आने के बाद। और बस ये स्टेपिंग्स के हैं, ये मेरे हैं सैंडल और मैंने भी ब्लैक लिए हैं, मेरे पास भी ब्लैक सैंडल खत्म हो चुके थे तो मैंने थोड़ा सा पार्टी वेयर लिए हैं। ये कुछ ऐसे ये डिजाइन है, एक एक ही निकाल के दिखा देती हूँ। तो मैंने लिए अपने ये सैंडल, बहुत ही कंफर्टेबल है, हील ट्रांसपेरेंट है इनकी और ये भी कंफर्टेबल हैं तो मैंने लिए हैं ये। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या चीज अच्छी लगी सैंडल पर, जो भी अच्छे लगे ठीक है, मतलब अपना भी बताना आपको क्या अच्छा लगा, कैसी हमारी शॉपिंग लगी ठीक है। अब मैं दिखा देती हूँ आपको सूट जो हमने सिलने के लिए अभी नहीं दिए क्योंकि टाइम नहीं है आंटी के पास इतना सिलने का, वो बिजी रहते हैं काफ़ी, अभी लड़कियां आई हुई हैं सारी की सारी छुट्टियों में। तो गाइस एक लिया है मैंने अपना ये मैरून कलर का सूट, ये देखिए ऐसे, इसमें सारे में फ्रंट में कटदाना वर्क है, सारा हैंड वर्क है और सारा बिल्कुल आप खुद ही गिरा हुआ, इसकी शाइन कितनी है। और ये है जैस्मिन ब्रांड का, तो ये लिया है और ये इसकी सेंटून बॉटम है प्लेन और ये है इसका प्योर का दुपट्टा। एक ये सूट लिया है गाइस मैंने अपने लिए, पाउडर ब्लू कलर है कुर्ती, ये रेडीमेड था तो ये ब्लू कलर ये लिया मैंने, ऑर्गेंजा स्टफ है इसका और इस पे ऐसे वर्क स्लीव्स पे कट वर्क में वर्क है और ऐसे करके ये सूट है, बहुत ही सुंदर कुर्ती है। इसके साथ में है ये पैंट प्लाजो पैंट सेंटून में
और ये है दुपट्टा जिसके एक साइड में ऐसे कटवर्क में इसकी कढ़ाई है, ठीक है। और ये सूट है गाइस कीर्ति का फ्रॉक सूट, इसके पास कॉटन में था नहीं, मेरे पास पहले है तो इसका मन था ये लेने का, बहुत ही सुंदर लगा था मुझे ये सूट। तो ये ऐसा ये सूट है, बहुत ही प्यारा सा कलर है, आनियन सा कलर है, मोव कलर, जो इंग्लिश कलर लगा लो आप, और बहुत ही सुंदर प्यारा सा सूट है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो एक है ये, इसके नीचे है ये पैंट आनियन कलर की, मोव कलर की, जो भी आप लोग प्याजी कलर बोल देते हैं गाँव में, जैसे सभी को समझ में आ जाए वो बताना पड़ेगा। तो ये है दुपट्टा इसका फुल वर्क में, टसल्स लगे हुए हैं चार। और गाइस एक ये सूट लिया है सेम, सारा खोल के दिखाने की आई थिंक जरूरत नहीं है, सेम सूट है जो मेरा मेहरून कलर का सूट है, ये सेम कीर्ति का सूट है, ये मेहंदी कलर का सूट है, ऑलिव ग्रीन भी कह सकते हैं इसको, ये मेहंदी कलर का सूट है, और सेम इसका प्योर का दुपट्टा है, और ये बॉटम है, और ये जैस्मिन ब्रांड है, बिल्कुल डिटो सेम है, बस कलर डिफरेंस है। तो मैंने मेहरून लिया है और इसने लिया है मेहंदी कलर। स्टिच मैंने एक ही सूट लिया है बस, बाकी अनस्टिच ही लिए हैं। तो गाइज ये है बॉटम, पीच कलर का सूट है, ये कीर्ति ने लिया है, और ये है इसकी बॉटम, बहुत ही प्यारा सा पीच कलर है, और ये है इसका दुपट्टा प्योर का, ये भी सेम ब्रांड से ही है, और ये है इसका वर्क। देखो आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, ये पीस ये देखिए मल्टी कलर में, इसमें थोड़ा थोड़ा पीच में थ्रेड वर्क है हैंड के साथ, और सारे पीस पे भी कटदाना है, और कटदाने की शाइन कितनी है वो आप लोगों को दिख ही रही होगी आई थिंक, आप देख सकते हो, और फुल लेंथ है, बहुत ही सुंदर पीस है। और गाइस ये सेम सूट हम दोनों सेम ही लेकर आए हैं, क्योंकि सिस्टर्स हैं तो सेम लेना तो बनता भी है, क्योंकि पसंद आ जाता है वो सेम ही आ जाता है। तो इसने लिया है पीच कलर, मैंने लिया है इसका ऑफ वाइट कलर, आई थिंक निकाल के दिखाने की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, ये आप देख सकते हो, मे बी आपको कैमरा में इतनी शाइन ना दिख रही हो, और इनमें बहुत ज्यादा शाइन है कटदान, जो सामने से हम देख रहे हैं, जो कलर है मे बी कई बार कैमरा में सेम नहीं आते, ऑफ वाइट कलर है इसका। तो ये लिया है मैंने अपने लिए, और ये लिया है कीर्ति ने अपने लिए, ओके। तो अब बचा है लास्ट सूट, जो अनस्टिच हमारे बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है, ये हमें सूट छोड़ कर जाने पड़ेंगे, आंटी सील देगी तब तक, और हमारे पहुंच जाएंगे 30 तक पहुंच जाएंगे, मतलब तब तक आंटी सील देगी, पाप जब भी चक्कर लगेगा, क्योंकि 30 पे पापा आएंगे लेके तो सिलवा के ले जाएंगे। तो नेक्स्ट है ये सूट, जो कि मतलब मोस्ट फेवरेट सूट है, और ये है मेरा, बस तबीयत खुश हो जाएगी देख के सूट को, इतना प्यारा सूट है, और मैं ओपन करके दिखाऊंगी आपको सारा। ये सेंटून बॉटम है, सेम ब्रांड है जैस्मिन का, और ये इसका दुपट्टा है, फुल प्योर दुपट्टा है, सारे में पाइपिंग और कटदाना है, सारी चुनियों में ये है, सब दुपट्टों में, और बहुत बड़े बड़े दुपट्टे हैं। आई थिंक ये खोल के दिखाने की सरोज की लगी हुई है बीच में, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, जो शर्ट है वो ही है, सब कुछ जॉर्जेट है, बिल्कुल प्योर जॉर्जेट, और वर्क आप देखोगे तो ये तो चमकेगा ही चमकेगा फोन में, देखो आप। इसका बॉटल ग्रीन कलर है, जैसे काई रंग बोल देते हैं वो कलर है इसका, बहुत ही प्यारा ग्रीन, और ये इसका गला, और ये ऐसे इसमें सारे में कटदाना और मिरर है, जो आप लोगों को बीच में दिखाई दे रहा है ये सारा मिरर है, ओरिजिनल मिरर है, और वेट बहुत ज्यादा है इस सूट में, इसी वजह से ये देखो नीचे बॉर्डर है इसका, ये बॉर्डर है सारा मिरर का बॉर्डर है, और ये सबसे कॉस्टली सूट है, और चलो मैं इसका तो प्राइस भी बता देती हूँ, वैसे सारे ही कॉस्टली हैं। ये है 6100 का, 6100 6100, ठीक है, और कुछ इनका भी आइडिया दे देती हूँ मैं आपको, जो ऑफ वाइट कलर का सूट है वो है 4500 का, मतलब 4500 स्टार्ट। और गाइस जो पीच कलर का और ऑफ वाइट कलर का हमारा सेम सूट है, वो है 4500 का, 4500 का,
और जो हमारा मेहंदी कलर और मेहरून कलर है वो जो सेम है वो 3900 का 3900 का 4000 में से 100 रुपये कम। और ये है स्टिच सूट कीर्ति का, कीर्ति ये कुर्ती लेके आई है, ये लगा लो बैंगनी पर्पल प्याजी सब मिक्स है ये कलर, आप लोगों को जैसा दिख रहा होगा कैमरे में लहरिया है इसमें, और सारे पेस पे कट दाना और मोती का काम है। बहुत ही सुंदर कुर्ती है, मसलीन की, मसलीन फैब्रिक है इसका और बहुत ही प्यारा सूट है स्टिच। और ये इसका दुपट्टा है और ऑर्गेंजा में कटवर्क है सारे पे। ये जो स्टिच है ये है 2300-2350 और 2600-2600 का फ्रॉक सूट है, मतलब इस रेंज के सूट है। तो ये है हमारे अभी फिलहाल गाइस अनस्टिच सूट जो रखे हुए हैं, और जो स्टिचिंग के लिए गए हुए हैं तब वो आ जाएंगे या तो कल या परसों, फिर उनको ऐड करके साथ में फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। और गाइस बच्चों के कपड़े भी हमने देखे थे तो कुछ समझ में आया कुछ नहीं, तो फिर ये हुआ कि बाद में इकट्ठा ही ले लेते हैं, तो उनके कपड़े अभी लिए नहीं हैं, उनके शॉपिंग करके वो भी साथ में ही मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, तो इकट्ठे ही दिखाते हैं फिर स्टिच सूट भी और बच्चों के कपड़े। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा मैं आ चुकी हूँ मेरे मायके से वापस, और वो वीडियो आधी रह गई थी जिसमें हम अपनी शॉपिंग दिखा रहे थे और मेरे स्टिच सूट रह गए थे जो सिल कर आने थे और आंटी ने सिले नहीं थे, और अभी भी मेरा एक सूट तो वहीं पर है जो सिला नहीं, और कीर्ति के भी स्टिच नहीं हो पाए और बच्चों के कपड़े भी इसी वजह से दिखा नहीं पाई मैं। तो मैं मुकुल के दिखा देती हूँ, आरुष के मैं दिखा नहीं सकती और कीर्ति के स्टिच सूट भी मैं दिखा नहीं सकती। तो मैं आते ही घर आते ही पहले नहा के मैंने सोचा ये वीडियो को कम्प्लीट कर देती हूँ, तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को मुकुल के कपड़े। पहले ये मुकुल की मैं टी शर्ट लेके आई थी एक, तो ये पहन कर आया था वो, और मैं अगर इसके लिए पैंट शर्ट ले लेती हूँ जीन्स शर्ट वगैरह तो ये पहनता नहीं है, कैप्री और ये चीजें पहनता नहीं है, तो ये मोस्टली निकर भी ऐसी पहनता है जो कम्फर्टेबल हो, और लोअर टी शर्ट में ज्यादा कम्फर्टेबल रहता है, तो फिर फायदा क्या खामखा मैं पैसे वेस्ट करूँ ऐसे कपड़े, तो मैं इसके लिए यही ले लेती हूँ, टी शर्ट वगैरह ही ले लेती हूँ। और एक ये टी शर्ट लेके आई हूँ मुकुल की वाइट कलर की, और सेम कपड़े आरुष के हैं बिल्कुल सेम, बस साइज का फर्क है। और ये लोअर लेके आई हूँ मुकुल का ब्लैक कलर का, ऐसे ये ड्राई फिट में है कपड़ा इसका, तो प्रैक्टिस वगैरह के लिए जैसे स्टेडियम में तो भाग दौड़ में ठीक रहेगा। और अब मैं दिखा देती हूँ अपने स्टिच सूट, ये सूट आप लोगों ने ब्लॉग में देख लिया होगा जो दिल्ली का ब्लॉग है, ये मम्मी और नहीं सिलवाया था मेरा सूट, बट मुझे वहां पर दिल्ली जाना पड़ा तो मैंने ये सूट पहन लिया था, ये सील दिया था आंटी ने, और इसकी मैंने पैंट बनवाई है नीचे ऐसे करके, मैंने इसके लेस लगवाई है समोसा लेस, ऐसे ये डिजाइन बनवाया है। और ये है इसकी शर्ट प्रिंटेड, ऑरेंजा स्टफ है इसका, बिल्कुल प्योर ऑरेंजा है, और ऐसे नीचे ये वर्क हो रखा है इस पे, देखो बहुत ही सुंदर वर्क है, बहुत सुंदर वर्क है। तो इस पे ऐसे मतलब मिरर तो नहीं है, ओरिजिनल मिरर नहीं है, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ऐसे मिरर वर्क में है और सारे में बुटियां हैं कटदाने के साथ। और ये है इसका दुपट्टा ऑर्गेंजा का, प्योर ऑर्गेंजा, सारे में कटवर्क है और बीच बीच में इसके सरोस्की लगी हुई है। तो इस जैसे कि मैंने सबका प्राइस आप लोगों को बताया है, इसका भी मैं प्राइस बता देती हूँ, ये सूट मुझे 4500 रुपए का पड़ा है विदाउट स्टिच। और एक मैं अपनी ये शॉर्ट लेके आई हूँ, सॉरी शॉर्ट नहीं है, जिम टाइट है, एक ही जिम टाइट लेके आई हूँ, ये देखो पुमा की है ब्लैक कलर की प्रिंटेड, तो मुझे ये पसंद आ गई थी तो एक ये लेके आई हूँ। और ये वाला सूट गाइस जिसका दुपट्टा, ये मेहंदी कलर का सूट है मेरा, मैं ऊपर फोटो लगा दूंगी थंबनेल पे, तो वो सूट मैं अपना छोड़ आई हूँ घर पे, वो स्टिच नहीं हुआ, आंटी ने स्टिच नहीं किया है, ऐसे इसके दुपट्टे के चारों तरफ जो ये वर्क है ये कॉर्नर पे चार बुट्टे बने हुए हैं ऐसे ही सूट में वर्क है,
येलो सलवार है, मेहंदी कलर का कमीज है। अब मैं दिखा देती हूँ आपको अपने स्टिच सूट। ये देखो, ये है अफगानी सलवार बनवाई है मैंने, नेवी ब्लू कलर है, तो ऐसे करके मैंने ये अफगानी सलवार बनवाई है। और गंगा का सूट है ये, और ऐसे इसके नेक पे एम्ब्रॉयडरी है। गर्मी में गाइस इस टाइप के सूट बहुत सही रहते हैं घर पे पहनने के लिए। तो एक ये सूट है, ये मैंने घर से ही सिलवा लिया था, ये दुकान से नहीं लिया था। और ये है इसका दुपट्टा प्रिंटेड, बहुत ही सुंदर सूट है। और एक ये सूट है, ये भी मैंने घर से ही सिलवाया है, ये भी मैं दुकान से जो हम खरीद के लेके आए वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। अब ये सिलवाई है मैंने घर से, ये पिंक कलर की सलवार है और ये इसका दुपट्टा है, ये भी मैंने घर से ही सिलवाया है, बेबी पिंक सूट, प्योर का दुपट्टा है इसका। और ये ऐसे ये प्रिंटेड सूट है आगे से, इसमें टाई पट्टी है और बीच बीच में इसके जो है गोल्डन लाइन बनी हुई है, तो ऐसे करके ये सूट है। गर्मी में जो इस टाइप के सूट है वो ही अच्छे लगते हैं, मसलीन फैब्रिक है इसका, उसका भी मसलीन फैब्रिक था गाइस, जो ब्लू कलर का नेवी ब्लू जो सूट था। और एक मैंने ये लिया है कोर्सेट, ऑब्वियसली ये रेडीमेड है, ये भी शॉप से लिया है, तो ये लिया है कोर्सेट। ये देखो आजकल इनका बहुत ज्यादा ट्रेंड है, मसलीन फैब्रिक है इसका और बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं ये पहनने में, बहुत कंफर्टेबल, ये फैब्रिक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो ये इसकी टॉप है और ये इसकी बॉटम, इसके नीचे भी ऐसे प्रिंट है नीचे और ऊपर इलास्टिक है। इसकी रेंज भी 2200 रुपए का ये मुझे पड़ा। नेक पे इसके यहाँ पे ऐसे कोडी लगी हुई है, ओरिजिनल कोडी है। और गाइस एक ये सूट है प्रिंटेड, ये देखो बिना लोन का बनवाया मैंने और ऐसे, और ये मैंने ऊंचा बनवाया शॉर्ट क्योंकि हैवी सी इसकी सलवार बनवाई है। और ऐसे मैंने ये लेस लगवाई है, क्रोसिया लेस नेक पे, बाजू पे और नीचे घेरे पे। देखो थोड़ा सा मतलब सिंपल भी नहीं लगेगा बिल्कुल। और गाइस ये इसकी बॉटम है सलवार, मैंने इसकी सलवार पे भी ऐसे पहुंचे पे देखो ये लेस लगवा ली है, क्रोसिया लेस, थोड़ा सा लुक सी अच्छी आएगी। और गाइस एक ये ब्लैक कलर का सूट है, ये मैं पहन के आई थी घर से और ये भी मम्मी पापा ने दिलवाया। ये देखो ये इसमें सारे में जरी का काम है गाइस ऐसे, और पिंक कलर का नीचे झोली पे ये अलग से बॉर्डर सा है और बहुत ही प्यारा सूट है। नेक पे इसके थोड़ा सा ये वर्क है, सारा हैंड वर्क है। और बाजू ये इसकी स्लीव्स हैं और मैंने ये स्टिच करवाया है, यहाँ पर बाजू ऐसी बनवाई है, ऊपर प्लेट सी डलवाई है 3-4, और ये पीछे ऐसे इसके ये बनवाई है। ये देखो जो टसल्स है ना बहुत सुंदर बना रखे हैं, बहुत सुंदर, इससे ग्रेस और भी ज्यादा बढ़ गई सूट की जब ये बैक में ऐसे दिखता है। ये देखो जब वीडियोस वगैरह डालूंगी आप लोगों को पूरी कंप्लीट लुक दिख भी जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सूट ऐसे दिखने में नहीं समझ में आता बट वो पहनने के बाद उसकी कंप्लीट लुक समझ में आती है। और ये है इसकी बॉटम, ये सलवार है, मैंने इसमें पूरे में लाइनिंग लगवाई है इसके। देखो ऐसे नीचे बॉटम में नीचे पोंचे पे ये वर्क है, ऐसे सारे में हैंड वर्क है इसमें। और ये इसका दुपट्टा है गाइस ऑर्गेंजा का, सारे सूट का ऑर्गेंजा स्टफ है, सलवार सिल्क में है और कमीज जो है इसकी शर्ट जो है वो ऑर्गेंजा में है और दुपट्टा भी ऑर्गेंजा में है। और ऐसे ये नीचे इसमें भी पिंक कलर है, ये टच दे रखा है।
और लेस इसकी जो है वो भी बहुत अच्छी है। ये सूट मैंने आप लोगों को पहले दिखाया ही था, प्रिंटेड सूट ब्लैक कलर का, मैं भी मैंने दिखाया था। ये मैं तब देके आई थी जब जगराते में गई थी घर पे, तब देके आई थी मैं सिलना। तो ये मैंने ऐसे ही सिंपल बनवाया है, आधी बाजू का हाफ स्लीव्स बनवाई है इसकी। गर्मी में एक बार तो मेरा मन था कि मैं फुल स्लीव्स बनवाऊं, क्योंकि कपड़ा बहुत होता है, 5 मीटर कपड़ा ऑल ओवर सूट। तो फिर मैंने ऐसे सिंपल ही बनवा लिया, बस पाइपिंग निकलवाई है साइड में इसकी पैरेट कलर की, ऐसे करके ग्रीन कलर, और बस और कुछ नहीं मैंने इस पे करवाया। ये इसकी बॉटम, सिंपल इसकी बॉटम है विदाउट लाइनिंग। गर्मी की वजह से मैंने लाइनिंग भी लगवाई। और सो ये इसका दुपट्टा है गाइस, ये इस सूट का दुपट्टा है। और जो ब्लैक वाला सूट है इसका दुपट्टा मैंने अभी रेडी नहीं करवाया, या तो घर पे ही कोई मैच कर गया किसी कलर का तो वो ओढ़ लूंगी, नहीं तो ब्लैक कलर का देखती हूँ, ब्लैक कलर का कोई डाई करवा लूं कोई अगर मन किया तो। तो गाइज ये थी मेरी शॉपिंग। और हाँ, मम्मी हमारे लिए क्या लेके आई मैं एक बार वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। मम्मी वहां पे घूमने गए हुए थे माउंट आबू, तो मम्मी भी हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आए थे, तो वो भी दिखा देती हूँ। एक तो ये क्लचर है, ऐसे मोती का है इसमें थोड़ा सा काम सा, और एक ये है ब्रोच। तो मेरी और कीर्ति की दोनों के एक एक क्लचर और ये दो दो ब्रोच लेके आए थे मम्मी। और एक ये पर्स छोटा सा, क्योंकि मम्मी पहले इस पे देखो लिखा भी है मम्मी ओम शांति वालों के साथ गई हुई थी, तो ऐसे मम्मी मतलब मम्मी के पास था ऐसे छोटा सा, तो हमें बहुत पसंद आया था, कीर्ति को बहुत पसंद आया था। उसकी छोटी गुड़िया है, जैसे उसके छोटे कपड़े हैं या ऐसे डाल के ले जाओ, तो मम्मी हमारे लिए भी लेके आई वहां से, दोनों के लिए एक एक पर्स लेके आई। और बच्चों के लिए लेके आई थी पेन लेके आई थी, जो कि रिवॉल्वर टाइप था, गन टाइप का था, और वो बच्चों ने तोड़ भी दिए तो मैं दिखा नहीं सकती वो। तो गाइज हमें मम्मी के लाए हुए गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आए, बहुत ज्यादा पसंद आए। और बड़ों का प्यार होता है ये तो, कि वो बाहर गए हैं तो भी ये सोचते हैं कि बच्चों के लिए कुछ ले जाएं। तो कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे मेरे सूट, मेरी शॉपिंग, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।